नमस्कार स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर जैसे कि आपको पता है दो दिन पहले हमने आपको डेवी की खबर दिखाई थी डेवी की खबर क्यों दिखाई थी कि डेवी ने अपनी बसों को साइड में लगा दिया था और अभिभावकों को स्टूडेंट्स को कहा था कि वो अपने व्हीकल से आए हमने वही दिखाने की कोशिश की थी जो फैसला है वो गलत है उसी को हमने दिखाने की कोशिश की थी जैसे ही हमने ये खबर दिखाई हमारा विरोध शुरू हो गया बहुत कुछ हमें कहा गया हमारी टांग खिंचाई के लिए जो दर्शक हमारे हिंदी भाषी हैं उनको मैं समझा दू ट्रोलिंग किसे कहते हैं हमने नेशनल चैनल्स को देखा था कि अक्सर कोई भी वो खबर चलाते थे तो उस खबर पर एक बहुत बड़ा वर्ग या जिससे संबंधित वो खबर होती थी वो लोग उसकी ट्रोलिंग करते थे ट्रोलिंग को सीधे से शब्दों में अगर कहें तो टांग खिंचाई हम कह सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर खिंचाई को ट्रोलिंग बोला जाता है वही ट्रोलिंग कंचन टीवी की शुरू हुई हम परसों रात से देख रहे थे हमारी टीम ने पूरा एनालाइज किया हम कल ये खबर दिखाने वाले थे लेकिन हमने थोड़ा सा और विश्लेषण करने की सोची दो दिन पूरा हमने लिया और ये तीन पन्नों की ये रिपोर्ट अब मेरे हाथ में है जो मैं दिख, आपको अभी पढ़ के बताने वाला हूं और जैसे ही हमारी खबर डली तो रुदाली विलाप शुरू हो गया अब आप सब सोचेंगे कि रुदाली विला आप आखिर है क्या देखिएगा पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में, रजवारे, रजवारे, परिवारों में जब कोई युवा पुरुष की मौत होती है तो वहां पर रोने के लिए बाहर से महिलाओं को बुलाया जाता है उनको रुदाली बोला जाता है और इस डीएवी मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ डीएवी पर हमने खबर चलाई गलत उन्होंने किया था हमने खबर चलाई हमारा हमारा मकसद उनको बदनाम करना नहीं था हम सिर्फ सच्चाई दुनिया के सामने आपके सामने लाना चाहते थे अवगत कराना चाहते थे अपर जो मैनेजमेंट है उससे लेकिन यहां पर रुदाली विलाप के लिए पूरा स्टाफ पूरे टीचर्स को हमारे खिलाफ लगा दिया गया लेकिन रुदाली विलाप से कुछ नहीं होने वाला है अब हम इसकी परत दर पर आपको समझाएंगे कि यह सब हुआ किसकी शय पर है देखिएगा जब हमारी ट्रोलिंग शुरू हुई तो ट्रोलिंग करने वाले दो वर्ग हम पूरे विश्लेषण के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दो धड़ों में वो ट्रोलिंग करने वाले हैं एक तो वो जो डीएवी के भूतपूर्व स्टूडेंट है जो विद्यार्थी यहां से पढ़ के जा चुके यहां पढ़ रहे हैं जो एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर उन्हें उन्हें हमारे खिलाफ जहर उगला उन्होंने खूब जहर उगला हमारी नकारात्मक बातें हमें अनपढ़ तक कहा गवार तक कहा हमें रिपोर्टिंग के एथिक्स तक बताए गए एक वर्ग वो था हमने उन्हें माफ कर दिया दूसरा वर्ग वो था जो डीएवी का कर्मचारी वर्ग है जो टीचर्स है जो वहां के एम्प्लॉय हैं जी हां हम पूरा पूरा माजरा समझ रहे हैं और आपको भी समझा रहे हैं हमारी ट्रोलिंग शुरू हुई हमारी टांग खिंचाई शुरू हुई और हमें शुरू करा दिया गया वहां के कर्मचारियों के द्वारा टीचर्स के द्वारा अब वो हमें कोई हमें अनपढ़ बता रहा है कोई हमें एथिक्स की नॉलेज ला, लाने के बारे कह रहा है वो हमारी शुरू करते हैं टांग खिंचाई तो हमने सोचा कि दो दिन वो जितना कर सकते हैं करें अब वहां के जो टीचर्स हैं वो वहां के एम्प्लॉय हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें तो अपनी वफादारी साबित करनी ही थी टीचर्स को वफादारी साबित करनी थी और स्टूडेंट्स के लिए मौका था अपनी आस्था जाहिर करने का तो उन्होंने वो काम किया लेकिन इसमें भी थोड़ी सी झोल हो गई डीएवी ने यहां पर भी गलती की हमारी उस न्यूज के बाद तुरंत आप सबको पता होगा हमने खबर लाइव दिखाई थी और लाइव दिखाने का कारण भी यही था कि हम अगर वहां पर जाकर यह सब कवर करने की कोशिश करते तो हमें रोका जाता हमें रोक दिया जाता हमने लाइव दिखाया अब लाइव जब दिखाया तो हमारे हाथों से बात निकल चुकी थी तब वहां पर आपात बैठक बुलाई गई उस बैठक में फैसला लिया गया कहा गया सबको निर्देश दिए गए कि जो भी वहां के कर्मचारी हैं टीचर्स हैं वो कंचन टीवी का विरोध करेंगे इस काम में सभी पूरी शिद्दत के साथ लग गए क्योंकि वफादारी जो करनी थी डीएवी के साथ तो उन्होंने ये काम किया बड़ी शिद्दत के साथ किया लेकिन थोड़ी सी गलती उनसे हो गई कि सिर्फ अपने टीचर्स से ही ट्रोलिंग कराने की उन्होंने गलती की और वो पकड़ में आ गई अब बताते हैं जो हमारे सूत्र हैं डीएवी के जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया कि आपात बैठक के बाद ये फैसला लिया गया और वहां से शुरू हुई ट्रोलिंग उसके बाद जो नहीं भी चाहते थे हमारी ट्रोलिंग करना उनके फोन से भी ट्रोलिंग कराई गई ये भी कहा गया है ये भी सामने निकल कर आ रहा है अब ये तो हुई बात ट्रोलिंग की अब हम बताते हैं कि आखिर यह पूरा माजरा है क्या डीएवी डीएवी एक संस्था है पूरे भारत में है हरियाणा में भी है तो जाहिर सी बात है उनका पूरा मैनेजमेंट है वो एक ही जगह से ऑपरेट होता है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पानीपत डीएवी थर्मल की बसें तो पहले दिन से ही जा रही है वो बच्चों को ला रही है छोड़ के जा रही है और सफिदो डीएवी ने अपनी बसों को साइड में लगा दिया है बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है पानीपत यहां से 35 किलोमीटर दूर है सफिदो से और वहां की बसें डेली बच्चों को ला रही हैं ले है। लेके जा रही हैं छोड़ के जा रही हैं सफीदों की बसों को छोड़ दिया गया अब बात करते हैं ट्रोलर्स की ट्रोलर्स के लिए भी ये ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि वो हमें वो हमें पाठ पढ़ा रहे थे आ, एथिक्स का मीडिया का वो हमारे ज्ञान पर कटाक्ष कर रहे थे तो उनको मैं बता दूं वफादारी अंधभक्ति बहुत बुरी चीज होती है आप वफादारी निभाइए लेकिन अंधभक्ति बहुत बुरी चीज है जब आपको यह नहीं पता जो स्टूडेंट्स हमारा विरोध कर रहे थे जो टीचर्स हमारा विरोध कर रहे थे उनको सही से ये नहीं पता कि ये फैसला आखिर है क्या माफ कीजिएगा मैं दोबारा था दू जो स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके उनको तो यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में पता ही नहीं कि फैसला क्या लिया गया और क्यों लिया गया है उन्होंने भी हमारा विरोध किया यह भी कही न कहीं ना कहीं शंका पैदा करता था एक और शब्द निकल कर आया कि आपने सुना होगा गोदी मीडिया अक्सर जी न्यूज के लिए आज तक के लिए यूज इस्तेमाल किया जाता है इस्तेमाल किया जाता है जी न्यूज के लिए आज तक के लिए कि गोदी मीडिया कंचन टीवी के लिए भी गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया गया लेकिन गोदी मीडिया कहने वाले हम हर एक ट्रोलर से कहना चाहते हैं गोदी मीडिया किस लिए हम जनता की आवाज उठा रहे थे हम आम अभिभावकों की आवाज उठा रहे थे हमें इस काम के लिए पैसा नहीं मिला है ना हम चाहते हैं हम सिर्फ वहां पर अपना एक जिम्मेवारी निभाने के हैसियत से गए थे पूछना चाहते थे सवाल चाहते थे हमने अपना नंबर भी मैनेजमेंट को दिया कि हमसे संपर्क किया जाए हमसे प्रिंसिपल बात करें लेकिन आज तक भी हमसे किसी ने संपर्क नहीं किया देखिएगा हम चाहते थे कि वो अपनी पक्ष में कुछ भी कहें सच्चाई है दुनिया के सामने लाए अपना पक्ष रखे लेकिन उन, उन्होंने हमसे संपर्क नहीं साधा उल्टा सोशल मीडिया के ऊपर हम पर कमेंट किए गए हम कमेंट का जवाब वहां पर दे सकते थे लेकिन हमने नहीं दिया एक और बात है जो हमें खटकी ट्रोलर्स हैं हमारी गलतियों पर हमें खिंचाई कर सकते हैं लेकिन वहां पर जब हमने दिखाया था कि हम जब एंट्री कर रहे थे वहां पर स्टैंड है बाहर ही बाइक स्टैंड बना दिया गया है कतार में आप देख सकते हैं फोटोज में भी कतार में हमारे दाई तरफ ये बाइकें खड़ी है क्या वो अवैध नहीं है किसने परमिशन दी, दी दी भी प्रशासन को या प्रिंसिपल को कि आप अवैध रूप से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बाइकें यहां पर खड़ी कीजिए ये रोड है इंडस्ट्रियल रोड है बोहली रोड पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं सारा दिन ट्रैफिक चलता रहता है कोई दुर्घटना हो सकती है इसका जिम्मेवार कौन होगा क्या डीएवी प्रशासन इसकी जिम्मेवारी लेगा क्या प्रिंसिपल इसके लिए जिम्मेवार रहेगा एक सवाल था किसी भी किसी भी ट्रोलर ने हमें ये नहीं कहा कि हाँ ये तो गलत है डीएवी को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए अगर कोई एक व्यक्ति भी इनमें से कह देता तो हम मानते कि कहीं कही ना कहीं वो जेनवन ट्रोलर्स है लेकिन वो तो वो तो रुदाली विलाह वाले ट्रोलर्स थे इसके बाद जो हमारा शक गहरा है, और भी बातें हैं ना उन्होंने बाइक स्टैंड पर बात की ना उन्होंने अभिभावकों की बात पर हमने जब उनसे पूछा डीएवी प्रशासन से पूछा कि आपने सहमति ली है तो सहमति पत्र हमें दिखाई है वो नहीं दिखा पाए इस पर भी किसी ने ट्रोलर ने किसी भी ट्रोलर ने सवाल नहीं खड़ा किया तो वहां पर भी मैं संदेह हुआ बस उन ट्रोलर्स का सिर्फ एक ही एक ही मकसद था कि वो डीएवी को पाक सा, सा पाक सा साबित करना चाहते थे उनको बताना चाहते थे कि डीएवी हमेशा नियमों से बंधा हुआ है नियमों से परे वो कोई काम नहीं करता वो सिर्फ इसी बात पर जोर दे रहे थे और, और ंचन टीवी को वो गोदी मीडिया साबित करने पर अनपढ़ गवार साबित करने पर लगे हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग की दुहाइयां दी गई दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कहते थे कि बसें इसलिए नहीं चलाई जा रही कि सोशल डिस्टेंसिंग यहां से आधिकारिक तौर पे जो फेसबुक पेज है डीएवी का वहां से भी हमें कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा इसलिए हमने बसें बंद की है तो ये सवाल मेरा सीधा डीएवी प्रशासन से है क्या डीएवी थर्मल सरकार के नियमों को नहीं मानता क्या सफीदों के सभी कॉलेज है जो स्कूल है क्या वो डी सरकार के नियमों को नहीं मानता अगर पालन आप कर रहे हैं तो पालन उन्हें भी तो करना था उनकी बसों में भी तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है क्या तो आप सही हैं या वो सही हैं अगर आप सही हैं तो वो गलत है अगर वो गलत है तो फिर आप सही कैसे हैं सवाल आपसे है मेरा क्योंकि गलती आपने की है कुछ दर्शकों ने हमें कहा कि कुछ ट्रोलर्स ने कहा कि हम सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सब कर रहे हैं देखिए दोस्त कंचन टीवी अपने आप में एक फेमस चैनल है और हमें लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के प्रोपकंडे नहीं रचने हम वहां पर गए थे हम वहां की स्थिति देखना चाहते थे जानना चाहते थे हमने इसीलिए डीवी का पक्ष जानने के लिए वहां पर गए थे लेकिन उन्होंने कोई भी सार्थक जवाब हमें नहीं दिया ये हम नहीं कहते ये पूरी दुनिया ने देखा है उसके बाद भी कोई भी डीएवी की ओर से वहां नहीं और हम अब भी कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि डीएवी आए और अपने बात रखे हम वो भी दिखाने के लिए तैयार हैं अब मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो सूत्र हैं हमारे जो सूत्र है उनके हवाले से हमें पता चला है कि डीएवी डिफेंसिव होने की बजाय अटैकिंग होना चाहता था ताकि हम पर दबाव बने हमारा मनोबल टूटे लेकिन हम कहा मानने वाले थे क्योंकि सत्य को लेकर ही हम चले हैं सच्चाई को दिखाने के लिए हम चले हैं आम जन मानस से जुड़े हुए हम हैं और उन्हीं के मुद्दे हम उठाते हैं तो हमें किसी की बुराई में नहीं किसी की भलाई में नहीं हम आम जन से जुड़े मुद्दे दिखाते हैं वही हमने दिखाया हमारी ट्रोलिंग की गई लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सच्चाई दिखाना इस चैनल का धर्म है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर कहा जाता है मीडिया को तो कंचन देवी वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बन के ही रहेगा और बना ही हुआ है अब मैं तो अब मैं चाहूंगा डीवी प्रशासन जाहिर सी बात है मेरा ये वीडियो देख रहा है अब मैं चाहूंगा कि आप सामने आइएगा पूरी सच्चाई हम खुद कवर करेंगे मैं खुद कवर कर, करूंगा यशपाल कंचन खुद आपको कवर करने आएगा आपसे हर सवाल पूछेंगे सीधे सवाल करेंगे सीधे आप जवाब दीजिएगा बताइएगा आखिर आपकी मंशा क्या थी हम नहीं चाहते आप स्वायत्त संस्था है आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट संस्था है बट लोकतंत्र में आपसे भी सवाल करने का हक है और एक मीडिया चैनल होने के नाते हम आपसे सवाल कर सकते हैं वही सवाल हमने आपसे किया और अब भी यही सवाल है कि आप सोशल मीडिया पर जवाब देने के बजाय सीधे हमसे क्यों नहीं मिले हमसे संपर्क क्यों नहीं किया क्यों नहीं इंटरव्यू हम हमें देते आप हाँ, अपने हमारे हर एक सवाल का जवाब आप दे अब भी हम निवेदन करेंगे कि डीएवी प्रशासन सामने आए हम इंटरव्यू करने के लिए तैयार हैं हर सवाल का आप जवाब दीजिए ताकि जो भ्रम है वो खत्म हो और हमें बताइएगा कि डीएवी पानीपत ने जब बसें चला रखी आपने क्यों नहीं चलाई क्यों आपने अवैध जो बाइक स्टैंड है, है, है तो हम हमें इंतजार रहेगा कि जल्द हमें डीएवी प्रशासन संपर्क करे और हम तब वहां पर पहुंचेंगे तब तक आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ मैं आपका दोस्त आपका होस्ट यशपाल कंचन